सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एंड उम्मीद करूँगा आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो यार, जो आज का वीडियो होने वाला है वो एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। वो होने वाला है यार पर्टिकुलर एक हेडशॉट्स के ऊपर। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, आप क्लोज रेंज में इजीली विदाउट यूजिंग योर ADS हेडशॉट्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखो, ADS ओपन करके तो आप लोगों को पता है कि प्रॉपरली हमारा जो फायरिंग है वो कहाँ जा रही है, तो आप हेड पे एम ले जाते हैं। बट वहीं पर अगर आपको क्रॉस एयर से मतलब हिप कर देते हो या अगर आपको हेडशॉट्स मारने हैं तो कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अब आप लोगों की इस वीडियो में मैं सारी प्रॉब्लम्स दूर करने वाला हूँ और A to Z आप लोगों को ऐसी मस्त मस्त ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों के हेडशॉट्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे सामने वाले बंदे को। और अगर जिन लोगों को नहीं पता, एक बात बता दूँ, हेडशॉट का डैमेज भाई नॉर्मली डबल होता है। अगर आपको M4 से एक बंदे को मारने पर वैसे पे 5 बुलेट लग रही है तो हेडशॉट 2 या 3 बुलेट ही मारनी पड़ेंगी। तो कभी भी इस चीज़ को ट्राई कर लेना। और हेडशॉट जब भी मारोगे तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि फ़ाइट आप ही लेकर जाएंगे। और भाई AKM वगैरह के तो हेडशॉट्स का पूछो ही मत। लेवल 1 का हेलमेट पे भी अगर एक बुलेट पड़ जाए ना AKM की, तो तब भी बंदा डाउन हो जाता है। तो हेडशॉट अगर आप मार रहे हो, अच्छे खासे मार पा रहे हो, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, OP चीज़ है, लगे रहो। तो वीडियो को हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट है वो यार आप लोगों की सबसे पहले तो यार क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो नॉर्मल बंदा होता है ना, उसकी भागने की जो मतलब जब भी वो कभी जा रहा होता है कहीं पर या भाग रहा होता है, उसकी क्रॉस हेयर प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होती है जैसे कि मैं चल रहा हूँ इस टाइम गेम में। और आप लोगों को कुछ ये नहीं लग रहा होगा कि ये कुछ मैं गलत चल रहा हूँ या कुछ, बट अब आपको बताता हूँ, अगर एक अच्छा प्लेयर होगा तो उसकी क्रॉस हेयर प्लेसमेंट होती है ऐसे, या फिर अगर कोई मतलब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप लोगों की क्रॉस हेयर प्लेसमेंट रहेगी ऐसे। अब इसमें फ़र्क क्या है, अगर मेरी ये वाली क्रॉस हेयर प्लेसमेंट है जो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हो इस प्लेसमेंट में क्या सीन हो रहा है। अगर आपके सामने कोई बंदा एकदम से डनली आ रहा है, अगर आप उसको नॉर्मली हिप फायर देकर भी मारोगे तब भी उसकी हेड पर बुलेट्स कनेक्ट होंगी। बट वहीं पर अगर एक जो नॉर्मल बंदा जैसे चलता है, तो आप लोग देख रहे हो जो हमारा क्रॉस हेयर प्लेसमेंट है वो थोड़ा ग्राउंड वाली साइड है, हमारी हवा में नहीं है। तो हमें क्या सीन रखना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है अपने क्रॉस हेयर को। उससे क्या सीन होएगा कि आप लोगों के हेडशॉट्स काफ़ी ज़्यादा इजी, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी से पड़ेंगे। समझ जाओ यार अब बात को, इतने आप खुद भी समझदार हो कि जो ट्रिक बताई है वो आप लोगों को उम्मीद है समझ आ चुकी होगी अभी तक। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यार नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूँ एक चीज़ कि जो आप लोगों का एम असिस्ट होता है वो आप लोगों को सबको पता है होता क्या है, उसका काम क्या होता है। तो उसका कार्य भैया एक सिंपल सा होता है कि अगर आपका एम बंदे से थोड़ा राइट लेफ्ट जा रहा है तो वो बंदे के ऊपर आपके एम को लेकर जाए, जो आप लोगों को पता है ये होता है एम असिस्ट का काम। बट अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एडवांस, जो एम असिस्ट का आपका काम होता है वो बंदे की तरफ तो आपका एम लेकर ही जाता है, बट बंदे के भी हेड पर लेकर जाता है। आप कभी भी इस चीज़ को ट्राई कर लेना, अगर आप वेस्ट पे बुलेट्स मार रहे हो ना किसी अपने ओपोनेंट को, वेस्ट पे मतलब थोड़ी ऊपर वाली साइड, तो ऑटोमेटिकली आपका एम उसके हेड पे चला जाएगा। तो ये जो आप लोगों का काम करता है, ये करता है एम असिस्ट। तो कभी भी हेडशॉट्स मारने के लिए आप लोगों को ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर हेड पे एम नहीं ले पा रहे, उसके थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट भी चले जाओगे ना, तो तब भी आप लोगों का एम अपने आप उसके हेड पे जाएगा जाएगा। तो मतलब अगर सोचो बिल्कुल परफेक्शन से, हाँ भाई मेरे को हेड पे एम लेना है और वो नहीं हो पा रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, एम असिस्ट ऑन करो, एम असिस्ट आप लोगों की हेल्प कर देगा, तो कोई सीन नहीं है। तो अब जो थर्ड पॉइंट है यार वो यही है, ये आप लोग यहाँ पे ये जो बोर्ड्स लगे देख रहे हो, ये सब आप ही के लिए लगाए हुए हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस के ही लगाए हैं। तो सीन क्या है, आप लोगों को आना है यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में और इन बोर्ड्स के भाई सिर्फ और सिर्फ हेड पे टारगेट करना है। इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा भाई। देखो अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड से बढ़िया हम क्लासिक में प्रैक्टिस कर लें। क्लासिक में प्रैक्टिस तो तब करोगे यार जब क्लासिक में बंदे मार पाओगे, आप जाके बंदों से मर जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस तो घंटा ही होगी भाई। तो ट्राई करो गेम स्टार्ट करने से पहले 10-15 मिनट ट्रेनिंग ग्राउंड में लगा लो, अपना मस्त एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद क्लासिक में जाके बूम बाम मचा दो, कोई सीन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबके खोपड़े बने हुए हैं क्लियर क्लियर, उन पे मैं 2-2, 3-3 बुलेट्स मार के अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में आपका एम हिलेगा, दिक्कत होगी, बट धीरे 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 मतलब एज यू गोइंग ऑन आप लोगों की प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और ईजी रहेगा आप लोगों को एम पे अपने टारगेट करना। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की हेडशॉट वो भी बढ़ेगी मारने की वो परसेंटेज, और साथ साथ आपकी एम एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि भाई अगर आप
सामने वाला आपको 5 बुलेट मार चुका है और आपने उसको 2 हेडशॉट मार दिए ना, तो उसकी गेम ख़त्म है। अब मैं आप लोगों को मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी गेम्स, इतनी फाइट्स मैंने इतनी इजीली निकाल पाया और सिर्फ हेडशॉट मारने के चक्कर में। मैंने 1-1 HP पे 1v4 क्लच सिर्फ हेडशॉट मारने के चक्कर में ही करे हैं, वरना तो भाई कोई औकात ही नहीं है यार। 10 HP पे कौन मार सकता बंदे, इतना इजीली कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन अगर हेडशॉट मारने में OP हो तो मार सकते हो भाई। तो कोई भी चीज़ अनपॉसिबल नहीं है। ओके जी, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी है तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तभी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तो भाई लाइक मार दो फटाफट वीडियो को, अभी तक नहीं मारा और चैनल पर नहीं हो तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, किसी को नहीं बताऊंगा मैं, जल्दी से दबा दो, जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा उसमें भाई। तो यार अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है भाई जंप एंड शूट। और भाई ये इस गेम का सबसे खतरनाक मतलब तड़कता फड़कता एक ऐसा स्किल है, अगर आप लोगों को अच्छे से करना आ गया तो भाई कतई आप बंदों की बैट बजा दोगे, फाड़ के रख दोगे उनकी। तो भाई ये आप लोगों को मैं बता दूं, जंप एंड शूट का हेडशॉट से क्या रिलेशन है। तो जब भी आप जंप करते हो, आप लोगों को पता है आप लोग थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ जाते हो अपने सामने वाले ओपोनेंट से, तो जो आप लोगों का एम है ना, वो आपका एम असिस्ट अपने आप ही बंदे के खोपड़िया पे मारता है, मतलब क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह खोपड़ी तोड़ देता है बंदों की। तो कभी भी इस चीज़ को आप आजमा कर देख लेना गेम में, आजमा कर, वाओ नाइस इन दी वर्ड्स। तो कभी भी इस चीज़ को यार टेस्ट करना गेम में, जंप एंड शूट भाई चुम्मा चीज़ है, चुम्मा कतई मतलब फाड़ देता है। जंप एंड शूट अगर आप कर रहे हो, सामने दो बंदे भी हैं, TPP के गेंस्ट भी देखो आप जंप एंड शूट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जंप एंड शूट करने के इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, मैं 2-3 क्लिप अटैच कर दूंगा अगर मेरे को मिली, क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है ना भैया, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना सब मैनेज करना। तो जंप एंड शूट कभी भी ट्राई करके देख लेना और क्लिप ऐड करता हूँ, वो ज़रा उसमें देख कर बताओ कि कैसा लग रहा, थोड़ा बूम बाम किया या नहीं करा। तो भाई इस क्लिप में आप लोगों को क्लियरली दिख गया होगा कि जब मैंने जंप करा तो सबसे पहला जो बंदे को शॉट कनेक्ट हुआ वो हेड शॉट ही था। और इस वाली आप फाइट में भी देख सकते हैं मेरी क्लोज शेल प्लेसमेंट थोड़ी ऊपर की तरफ है, मैंने धरती में नहीं घुसाया हुआ, ग्राउंड में नहीं घुसाया अपने क्लोज शेल को, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा है ताकि बंदों के प्यारे प्यारे मुँह को मैं तोड़ सकूँ, उनको थोड़ा बदसूरत बना सकूँ, क्या करें। तो ये चीज़ आप भी ज़रूर कोशिश करना, ट्राई करना, उम्मीद है बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को भी। तो बस यही थी हमारी थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ PUBG मोबली। बाकी ये मोबाइल गेम भैया खेलने लायक तो रही नहीं, इतने ग्लिचेस बग्स वगैरह का ही कहाँ भरे हुए हैं। बट जो भी है, जैसे भी है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको एक अपना अंगूठा दे जाना, और हाँ एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, कुछ बिगड़ेगा नहीं, वैसे आप लोगों का थोड़ा भला ही हो जाएगा, हो सकता है। तो यस, मिलते हैं गाइज आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी मदद चाहिए हो तो नीचे इंस्टाग्राम का भाई लिंक दिया हुआ है, आप लोग आकर मेरे से वहाँ पर मदद मांग सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की मदद करने।